वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो सुबह उठकर सबसे पहले हमने हमारी टेबल को क्लीन किया एंड सारे मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करके वी आर ऑन द टेबल एंड रेडी फॉर फर्स्ट सेशन। सो सबसे पहले आज हम लगाने वाले हैं इंग्लिश का सेशन, क्योंकि इंग्लिश करने से ही सही रहेगा और मेरा ज़्यादातर यही स्टडी प्लान रहता है कि मैं सबसे पहले इंग्लिश को कर लूँ, ताकि क्या होता है कि उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वोकैब जब भी करनी हो तो वो काफ़ी रिफ्रेशमेंट से काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड बाय द वे मैंने एक सेशन और लगा लिया था सुबह, सबसे पहले उठकर वही सेशन लगाया एंड देन उसके बाद ही आगे का वर्क करना स्टार्ट किया। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन लगाते जाएंगे एंड बीच में मैंने छोटे छोटे ब्रेक भी लिए हैं एंड कुछ एक ब्रेक मैंने रिकॉर्ड करे हैं एंड देन उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। सो आज पानी का जग मैं पास लेके बैठी थी, क्योंकि बार बार प्यास लगने की वजह से मैं चली जाती हूँ टेबल पे से एंड देन उसके बाद बातों में लग जाती हूँ। एज यू ऑल नो सभी के साथ यही होता है, क्योंकि जब हम अपने एक कॉन्सेंट्रेशन पावर के साथ करते हैं तब अगर बीच में हमें कहीं उठ कर जाना पड़े या फिर इवन तो अगर कोई छोटी सी पेंसिल भी अगर लेने जाना हो देन उससे उसके बाद कितना टाइम पास होता है सभी को पता है। सो आज मैं सारा सेटअप करके बैठी हूँ एंड बीच बीच में हम देखते हैं आज क्या होने वाला है। एंड आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो अभी मैं रिविज़न सेशन लगा रही हूँ एंड बीच बीच में हम कुछ छोटे छोटे कुछ खाते जाएंगे। सो सबसे पहले मैंने खाया है टॉफ़ी एंड ये बटर वाली टॉफ़ी है पता नहीं कुछ तो, एंड ये खाया एंड देन फटाफट से फिर से मैं अपना रेडी एंड मैं उठ के नहीं गई थी, ये भी मुझे कोई ला के गया था। सो नाउ अभी हम लगाते हैं थर्ड सेशन एंड ये होने वाला है हमारा लूसेंट से एंड लूसेंट में से जो मैंने टिक लगाए थे हाईलाइट करे थे एंड देन उसको हम अपने नोट्स में उतार लेंगे उनको अच्छे से एंड मतलब जो जो भी इम्पॉर्टेंट थे उनको फिर से कॉपी में भी हाईलाइट करेंगे एंड देन उसके बाद हमने जो बुक में हाईलाइट करे थे उनको हम अच्छे से एक बार रिवाइज़ करेंगे एंड देन जो हमें याद नहीं रह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई डेट याद नहीं रह रही तो उसको मैं फिर से लिख लूँगी एंड उसको हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं वो जब हम फटाफट थोरोली उसको रिविज़न करते हैं तब हमें याद नहीं आ पाता है। सो उसके लिए मैं हाईलाइट कर दूँगी एंड या सो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है एंड इसकी वजह से काफ़ी इफ़िशेंसी कम हो जाती है हमारा स्टेबिलिटी बनाना, उसमें कॉन्सेंट्रेट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा देर स्टेबल बैठे रहना में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है सबको पता है। एंड एनीवेज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे रिसेंटली कॉमेंट में पूछा गया था कि आप मैथ्स कहाँ से कर सकते हैं। सो मैथ्स के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप बुक ही यूज़ करें एंड अगर आप बुक नहीं कर पाते हैं देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई YouTube चैनल फॉलो कर लें एंड उससे ही सारा कंप्लीट करें। सो इट विल बी हेल्पफुल। सो ना उसके बाद अभी हम खाएंगे गर्मियों का राजा आम। सो फिर मैंने मैंगो खाया एंड फटाफट से फिर से मैं अपनी टेबल पर आ चुकी हूँ, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आज, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर हमें पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम चल रहा है कि हमें पढ़ाई करने का मन नहीं होता, इसलिए मेरे काफ़ी दो डेज जो हैं वो बहुत ही बिगड़ चुके थे। सो फिर मैंने सोचा कि एक प्लान बनाते हैं, देन स्टडी स्टार्ट करते हैं एंड देन ये सब हुआ एंड देन उसके बाद मैंने बनाया पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, इनको खाया, इन्जॉय किया एंड ये था आज का दिन। एंड सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एवरीवन। एंड ये काफ़ी टेस्टी था।